नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन क्विक्स टेक। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट रविंद्र सिंह। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों इसमें भी मैं आपका बहुत ज़्यादा खर्चा बचाने वाला हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि जो मॉस्किटो रैकेट होते हैं इनके बारे में बताने वाला हूँ मैं। मेरे पास, मैं आपको दिखाऊँ तो ये मॉस्किटो रैकेट हैं इतने सारे, और इन्हीं के बारे में मैं आपको आज बताऊँगा कि ये ख़राब हो जाते हैं बार बार और हमें फिर खरीद के लाना होता है नया। तो इस तरह करके काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो आज इन्हीं को रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं आपको कि ये क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों ख़रीदने पड़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यूपी बिहार में डेंगू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और बहुत बच्चों की जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हो रही हैं। तो मच्छरों की समस्या पूरे भारत में है और मच्छर जो है आज के टाइम पे इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि मॉस्किटो जो कॉयल आती हैं या फिर जो आपका ऑल आउट आता है और भी जो भी चीज़ आती हैं हीट स्प्रे वगैरह, इन सब से उनको कुछ नहीं होता है। वो सर्वाइव कर जाते हैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी। आप कॉयल जला लीजिए, ऑल आउट लगा लीजिए या फिर हीट वगैरह मार लीजिए या जो भी आप कर सकते हैं, धुआं वगैरह जो गाँव में करते हैं, सब कुछ करके हम थक जाते हैं बट कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मच्छरों पे सिर्फ ये बल्ला ही रहता है, ये मॉस्किटो रैकेट होता है और यही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मच्छरों पर। कमरे में आप सोने से पहले जितने भी मच्छर होते हैं उनको मार सकते हैं या फिर कहीं भी बैठे हैं तो मच्छर अगर तंग कर रहे होते हैं तो इससे उनको तुरंत मार सकते हैं और वो तुरंत मर भी जाते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो काफ़ी, एक तो इससे मच्छरों को मारने में थोड़ा मज़ा भी आता है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है, मैं तो इसको मच्छरों के लिए AK-47 मानता हूँ। पर दोस्तों दिक्कत यही है कि बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देखिए निप्पो का है और ये भी 6 महीने चला, उसके बाद ख़राब हो गया। बाकी ये फिर ये भी ब्रांडेड है और ये 24 एनर्जी, अगर आप ये मॉस्किटो रैकेट रखते हुए तो आपने इसको भी यूज़ किया होगा या देखा होगा कि ये भी ब्रांडेड है और ये भी दोस्तों ख़राब हो जाता है। फिर आते हैं नॉन ब्रांडेड, क्योंकि ब्रांडेड जो आते हैं वो महंगे आते हैं, 1000 से लेके 500 तक का इनका जो है प्राइस होता है। और जो ये नॉन ब्रांडेड होते हैं, ये खैर ये भी ब्रांडेड है, 24 एनर्जी, अकारी पकारी और काफ़ी आते हैं नॉन ब्रांडेड, वो 150 से लेके 300 तक आते हैं, 350 तक, और ये जो है 500 से 1000 के बीच में आते हैं जो ब्रांडेड होते हैं। तो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इनमें क्या है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और फिर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो जब मच्छर तंग करते हैं तो इसकी कमी बहुत महसूस होती है। तो आज हम इसी को देखेंगे कि किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं कि इनमें ख़राब क्या होता है। दोस्तों इनमें दो ही चीज़ होती हैं, या तो इनका कैपेसिटर या फिर इनकी बैटरी, यही दो चीज़ें ख़राब होती हैं। और इन चीज़ों को कोई भी इंसान अपने घर में चेंज करके ठीक कर सकता है, बट इसमें भी एक दिक्कत ये होती है कि जो इनके अंदर बैटरी लगती है दोस्तों, वो बैटरी जो आती हैं वो जब ये हम रैकेट खरीद के लाते हैं तो कंपनी उसको अच्छी बैटरी लगा के देती है, वो एक बार चार्ज करके देती है, फुल चार्ज होती है तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। पर वो बैटरी इतनी घटिया क्वालिटी की होती हैं कि अपने आप ही वो यूज़ होते होते बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और वो फिर चार्ज नहीं होती हैं। आप इसे चाहे 24 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 24 घंटे लगा के रखें बट ये चार्ज नहीं होता क्योंकि बैटरी ख़राब हो जाती है। और दोस्तों दिक्कत की बात ये है कि हम अगर मार्केट से बैटरी लेकर भी आते हैं, मैं आपको वो बैटरी दिखाऊंगा, अगर वो बैटरी 10-20 रुपए की आती है और यूट्यूबर्स उन बैटरियों को दिखाते हैं कि आप लाइए ये बैटरी डाल के फिर से चला लीजिए ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि कई बार ऐसा हुआ, मैंने भी ऐसा ही किया कि मैं बैटरी नहीं लाया और उसको डाला और डालने के बाद फिर वो नहीं चलता है, उसकी कंडीशन वैसी की वैसी होती है, चार्जिंग लगा लो तो भी वो नहीं चलता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि बैटरी जो आती हैं स्पेयर में वो यूज बैटरी होती हैं, ख़राब बैटरी होती हैं दोस्तों, वो ब्रांड न्यू बैटरी नहीं होती है, वो चार्ज नहीं होती है क्योंकि वो चाइना से आती हैं और स्टॉक का ही माल होता है, वो किसी जहाँ भी यूज होती हैं उनमें से निकली हुई बैटरी आती है, जैसे कि यही है, ख़राब हो जाते हैं, कबाड़ में जाते हैं तो इनकी बैटरियाँ निकाल ली जाती है और वापस से उनको फिर मार्केट में पहुँचा दिया जाता है और वो फिर घूम कर हमारे पास आ जाती हैं ख़राब बैटरी हैं। तो अगर आप उनको चेक करोगे मल्टीमीटर से तो भी वो वोल्ट अपना 4 वोल्ट के करीब दिखाएंगी, बट वो होती एक्चुअल में ख़राब है वोल्ट दिखाने के बावजूद भी, क्योंकि उनमें एम्पियर नहीं होता है, उनमें जो है उनकी पावर नहीं होती है, सिर्फ वोल्ट होता है और खाली वोल्ट से काम नहीं चलता है, उसमें दम भी होना चाहिए वोल्ट में, तो एम्पियर नहीं होता है, तो इसलिए वो आपको लगाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता और आपको लगता है कि
यही ख़राब है, इसका सर्किट ख़राब है, बट ऐसा नहीं होता है, आपकी बैटरी ख़राब है। तो आपको हम इस वीडियो में जुगाड़ दिखा देंगे सारा कि कैसे जो है ये आप ठीक कर सकते हैं। और बैटरी, अगर आपकी बैटरी जो है क्या जुगाड़ करके पता कर सकते हैं कि बैटरी ही ख़राब है या ये ख़राब है, तो वो सब आपको बढ़िया से इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। और ये वीडियो जो है इतना आपका क्लियर कर देगा सब कुछ कि आपने ऐसी वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। सब ने बनाई है वीडियोस इसको रिपेयर करने की, बट प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है, एक्चुअल चीज़ें लोगों को नहीं बताई गई हैं। मैं जो है क्विक फिक्स टेक जो चैनल है इस पर हम जागरूक ही करते हैं लोगों को और एक्चुअल चीज़ बताते और दिखाते हैं जो फैक्ट्स होते हैं। बिना फैक्ट्स के हम कोई चीज़ नहीं लाते हैं यूट्यूब पर। तो आज आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर अब आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, ये बार बार ख़राब होंगे और आप बार बार इन्हें रिपेयर कर पाएंगे। और हम इस पर और भी काम करेंगे, इनको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये ख़राब ही ना, ताकि आपको बार बार इनको खोल के रिपेयर करने की ही ज़रूरत ना पड़े। एक बार रिपेयर किया और ये काफ़ी टाइम तक चलते रहें। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार आती ही रहती हैं, और बेल के आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। मुझे तो वीडियो लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, तो लाइक करना तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव ना लगे तो बिल्कुल लाइक ना करिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वीडियो में दम है, वीडियो आपके फ़ायदे की है, तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इनको किस तरह से रिपेयर किया जाता है, इनमें क्या फॉल्ट होते हैं, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग होगी। तो आपको बैटरी भी दिखाते हैं और कैपेसिटर भी दिखाते हैं। मैं आपको लास्ट में फिर बता रहा हूँ, इसका या तो कैपेसिटर ख़राब होता है या इसकी बैटरी ख़राब होती है कि नहीं। तो अभी मेरे पास जो है सिर्फ एक नहीं, ये काफ़ी सारे हैं, तो सब में अलग अलग फॉल्ट होंगे। मैं 3-4 लेके आया हूँ, और इनमें से एक तो इन्होंने पहले ही ठीक कर दिया। इनका कहना था कि भाई पहले कैमरे के आगे नहीं करूँगा, पहले मैं देखूँगा उस चीज़ को, क्योंकि इन्होंने पहले कभी इसका इस्तेमाल भी नहीं किया और ना ही कभी रिपेयर किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी इन्होंने ये वाला जो है बिल्कुल ठीक कर दिया है, बिल्कुल डेड था ये। और इसमें दोस्तों होती क्या दिक्कत है मैं बता दूँ, अगर आपके पास ये है तो आपके पास भी यही दिक्कत आती होगी कि ये जो है ना इनमें पटाखा जो होता है, मच्छर मरता नहीं है, जैसे ही हम इसमें मच्छर फंसता है तो एक पटाखे की आवाज़ आती है, एक चिंगारी निकलती है और वो मच्छर मर जाता है। तो कुछ टाइम बाद ये जो है पटाखे की आवाज़ कम हो जाती है और मच्छर बिल्कुल नहीं मरता है, इसमें से निकल जाता है। तो उस कंडीशन में इसको फेंकना पड़ता था, बट अब हम क्या करेंगे कि इसको रिपेयर करेंगे। आउट ऑफ वारंटी है, निप्पो का है, देख सकते हैं ब्रांडेड है, इसकी बैटरी ख़राब नहीं होती है। तो इन्होंने ये ठीक कर दिया, अब इसमें पटाखा बोलने लग गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आवाज़ आई होगी, ये देखिए बहुत बढ़िया से इसमें से पटाखे बोल रहे हैं, तो ये अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अब ये तीन और बचे हैं, तो देखते हैं इनमें क्या फॉल्ट है। हालांकि इसमें पर पूछ लेते हैं क्या फॉल्ट था इसमें। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज थी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज थी, तो किस तरह से ठीक हुई वो? चेंज करने पर, उन्होंने रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया। तो आगे देखते हैं वो रेजिस्टेंस, और सब में वही रेजिस्टेंस ख़राब होती है या कुछ और होता है। तो अभी इन्होंने जो है ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक नॉन ब्रांडेड है अकारी, ये भी काफ़ी मशहूर है अकारी, और ये जो है ये भी ख़राब है। तो इन्होंने इसको देखा है और इसमें जो है इन्होंने सबसे पहले इसमें जो पुश बटन होता है ना, ये पुश बटन होता है जिससे ये देखिए किधर से, अच्छा इसमें ये इधर लाइट, ये देख सकते हैं ये लाइट जलती है। तो ये जो है इसमें पुश बटन ख़राब था, तो इन्होंने इस बटन को रिपेयर किया। अभी तो अभी देखते हैं रिपेयर हुआ है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करिए नरेंद्र जी, मैं कैमरे को जो है अब बैक साइड से करके दिखाता हूँ आपको। जा रही थी दोबारा, पहले ही बटन ख़राब था तो इसकी वजह से सप्लाई आगे नहीं जा रही थी, तो अब हमने बटन को चेंज कर दिया और इसमें अभी ये देखने पे ये सप्लाई आगे जा रही है। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे सप्लाई आगे जा रही है। देखिए आप लाइट भी देख सकते हैं जल रही है, लाइट नीचे रेड कलर की, तो मतलब ये ऑन हो रहा है। और एक यहाँ पे ड्राई था, अच्छा शोल्डर के इसमें ये वाला पॉइंट ड्राई था, तो इसको ड्राई शोल्डरिंग किया है। ड्राई सोल्डिंग मतलब वो जो है ना कनेक्शन जो होता है, हाँ लूज होता है और उसको दोबारा से सोल्ड कर दिया जाता है, तो वो
सिर्फ इसमें ये किया है कि एक तो बटन को ठीक किया है, और वो बटन को रिपेयर कैसे किया है उसको क्या नाम है, या तो आप चेंज कर सकते हैं, इन्होंने चेंज नहीं किया क्योंकि अवेलेबल नहीं है वो बटन। हमने ये जो एक ये जो जोरिक का ये केमिकल आता है, ये जंग वगैरह को सबको साफ कर देता है, डस्ट और गंदगी जो भी कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनको वो हटा देता है। तो उस देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के में भी यूज़ होता है, तो कार्बन पार्टिकल्स जो आ जाते हैं उनको इसने साफ कर दिया और वो बटन ऑन हो गया है। चेक कर, हाँ अब इसको हम चेक करते हैं, देखिए कि हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, ये दिखा देता हूँ आवाज़, तो देखा आपने चिंगारी के साथ आवाज़ भी आ रही है। ये बैटरी वीक हो सकती है क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद पड़े थे, इनको चार्ज नहीं किया गया था, और मे बी मेरे ख्याल से कि अगर इनको चार्ज किया जाएगा तो ये पटाखे जो आप सुन रहे थे ये आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि ठीक हो गया क्योंकि इसमें चिंगारी और पटाखे दोनों ही बज रहे हैं शॉर्ट करने पे, तो इसको चार्ज करने के बाद और देखेंगे। तो इसको अभी कर देते हैं हम बंद। इसमें हमने फॉल्ट पाया एक बटन का, और जहाँ पर कैपेसिटर होता है ऊपर की साइड उसमें थोड़ा सा ड्राई सोल्ट था, उसको दोबारा से सोल्ट किया ये, तो इसे हम चार्जिंग पे लगा रहे हैं, देखेंगे चार्जिंग के बाद। चार्जिंग लाइट जल चुकी है, आपको मैं दिखा देता हूँ, नहीं अब बंद हो गई है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, ऑन है। अभी जो आप देख रहे हैं ये हम ये भी ब्रांडेड है, 24 एनर्जी, ये एक ब्रांडेड जो रैकेट है और इसकी वारंटी आती है, बट ये भी ख़राब हो गया है, वारंटी ख़त्म होते ही ये ख़राब हो गया है। तो अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट निकलता है, क्या बैटरी ख़राब है, क्या कैपेसिटर ख़राब है, जो भी होगा आपके आगे होगा, हमें भी नहीं मालूम है कि इसमें क्या ख़राब है। टेस्टिंग वगैरह सब कुछ लाइव आपके आगे होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हमने इसको चेक कर लिया। हाँ हालांकि खुला हुआ था, हमने इसकी बैटरी निकाली थी चेक करने के लिए दूसरे में लगाने के लिए, क्योंकि उसका जो बटन ख़राब था हमें लगा कि बैटरी ख़राब है, तो इसलिए वो लाइट नहीं जल रही थी, तो हमने बैटरी मान लिया था कि ख़राब है, बट इसकी बैटरी इसका बल्ब जलता था तो इसका मतलब बैटरी ठीक थी, तो उसमें लगाई तो भी नहीं जली, तो हमने फिर आगे टेस्ट किया, बटन ख़राब मिला। अभी ये देखिए क्या टेस्ट कर रहे हैं, अभी ये क्या चेक कर रहे हो, स्विच, अभी इसमें स्विच चेक कर रहे हैं कि स्विच ख़राब है, क्योंकि उसमें भी बटन और ये स्विच होते हैं दोनों, इनको चेक किया है। तो ये टी टी की आवाज़ से ये पता चलता है, मल्टीमीटर बता रहा है कि हाँ बटन ठीक है, शॉर्ट हो रहा है वो, तो मतलब बटन ठीक है। अभी क्या कर रहे हो आप, टाका किस पे लगा रहे हो, बैटरी पे। अच्छा बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं पहले इस पे, फिर आगे देखते हैं फॉल्ट क्या निकलता है। तो ये बैटरी कनेक्ट हो गई है, बैटरी को आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, वोल्ट बताएगी, बाकी कंफर्म नहीं होता है, वोल्टेज बता दे तब बैटरी को ठीक मान लिया जाए, ऐसा भी ठीक नहीं है। अभी ये जो बटन होता है पुश बटन जिसको हम दबाते हैं उसको चेक कर रहे हैं शॉर्ट करके, तो देखते हैं शॉर्ट करने पर लाइट आगे जलती है कि नहीं उसकी एलईडी। अच्छा नरेंद्र एक चीज़ बता, ये ब्रांडेड है और वो नॉन ब्रांडेड था, तो कंपोनेंट में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है क्या, या सर्किट में कोई फ़र्क दिख रहा है? सेम कंपोनेंट है, सेम सर्किट है ना, सेम सर्किट, उस वाले में था, वो सो गया। अच्छा उसमें निप्पो वाले में थोड़ा सा अलग है, वो एसएमडी है कंपनी।
अच्छा उसमें SMD कंपोनेंट है, मतलब SMD शायद आप नहीं जानते हो, SMD कंपोनेंट होते हैं बहुत ही छोटे जो मोबाइल में और लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं, उनको SMD कंपोनेंट्स बोला जाता है। बाकी ये जो है इनको क्या बोला जाता है, नॉर्मल कंपोनेंट जो पहले आते थे। तो निप्पो में थोड़ा सा अलग था क्योंकि निप्पो का काफ़ी महंगा आता है, अभी हिट का चल रहा है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो हिट में भी वैसा ही है सब कुछ और वो भी ख़राब होगा, वारंटी तक ही चलते हैं लगभग। तो अभी ये भी कंपनी का ही है 24 एनर्जी, और इसको भी देखते हैं क्या फॉल्ट निकलता है। अभी क्या चेक कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर, अभी ट्रांजिस्टर चेक कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि वो चीज़ जो जिस चीज़ में फॉल्ट मिलता है, जिस चीज़ के कारण ये ख़राब है, वो क्या है, कहाँ है और कैसे लगेगी। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो में बने रहना है, और ये वीडियो वही देख पाएगा कंटिन्यू जिसका इलेक्ट्रॉनिक में रुझान होगा, जो थोड़ा बहुत टेक्निकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक के काम कर लेता होगा, टाँके वगैरह लगाना ये सब जिसको आता होगा ना, वो ही इस वीडियो को देखेगा। बाकी तो जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जीरो नॉलेज है वो शायद नहीं देखेंगे। हाँ, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस रैकेट से परेशान है, ख़राब हो जितने भी रैकेट्स वो लाते हैं वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं और फिर उनके पैसे वेस्ट होते हैं, वो बार बार लाते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा वाला खोल लिया है और उसकी बैटरी इसमें लगा के देख रहे हैं, तो बैटरी चेंज करके देख रहे हैं एक दूसरे से, आप देखते हैं। अभी आपने देखा पटाखा बोला और ये इसका मतलब बैटरी ख़राब थी, तो इसमें भी कोई फॉल्ट ही नहीं था। हाँ, काम करता था, बहुत कम करता था, तो अभी आगे देखेंगे। चलो देखेंगे इसको, अब इसको और देखते हैं, तो फिर इसको बंद ही कर दे पूरा। अच्छा, जरूरत पड़ सकती है साइड में, इसकी बैटरी देख, इस पर तो पापा ने कर लिया होगा आपने एक्सपेरिमेंट, चल तो रहा है, बहुत वीक है, ये फॉल्ट होता है वीक। बैटरी है, सही है, वो भी जल रही है, इसमें तो लाइट भी है। तो ये भी 24 एनर्जी का है, ब्रांडेड है, इसमें लाइट भी है और बैटरी भी काफ़ी बड़ी लगी हुई है, और इसका जो बोर्ड है वो भी बड़ा सा लग रहा है। ओहो, कैपेसिटर फटा हुआ है, इसका कैपेसिटर फटा हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। तो इसका कैपेसिटर मिला है हमें देखने को, ये देखिए, ये लाइन सी दिख रही होगी आपको, ये देखिए लकीर सी नज़र आ रही होगी। बाकी इसको निकाल के दिखाते हैं आपको, ये कैपेसिटर फटा हुआ है इसमें। ये कैपेसिटर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक का जो पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं उनके पास भी मिल जाते हैं, तो ऐसे ही मैंने लेके रखे हुए हैं। हाँ, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, फटा हुआ है जहाँ से, ये देख सकते हैं किस तरह का है, ये देखिए ये फट गया है दोस्तों। मैं नया आपको दिखा देता हूँ, ये नया है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है और कहीं से क्रैक नहीं है। माइक तो बहुत दूर है,
तो ये नया है, कहीं से क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है, वैल्यू दिख रही है। और इसमें देखिए ये देख सकते हैं आप, ये इसमें क्रैक आया हुआ है, ये फट गया। तो हो सकता है कि ये ही ख़राब हो इसमें। तो ये तो विजिबल है कि ये ख़राब है ही, फट गया है। ये देखिए, ये इस तरह से हीट होके या फिर कैसे भी फटा है, ये ख़राब है। इसको सेरामिक कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं कि ये ठीक होता है या नहीं। मैं पकड़ू क्या? हाँ हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटर चेंज कर दिया है, अभी देखते हैं ठीक हुआ कि नहीं। हाँ लाइट तो जल रही है, देखते हैं। ऐसे नहीं, वो बात नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, पर बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है, तो बैटरी चार्ज करके देख लेंगे। हो चुके हैं, अब उनको चार्जिंग की ज़रूरत है, तो चार्ज करके और देखते हैं, फिर पता चलेगा कि ये वीडियो YouTube पे ऑन एयर करने लायक है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, पटाखा ये होता है, पटाखा नए का। तो दोस्तों इसमें जो है बैटरी वीक ही मिली, और मेरे ख्याल से सबकी बैटरी वीक हो चुकी है, तो इनमें बैटरी का जुगाड़ करेंगे, बैटरी दूसरी लगाएंगे। अभी हमने क्या जुगाड़ किया है आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है बैटरी के तार देख रहे हैं आप, और इन तारों में जो जोड़ा गया है, वो क्या जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है ये तार देखिए, ब्लैक वाली ये जो जा रही है, ये चार्जर। चार्जर दोस्तों मोबाइल का 5 वोल्ट का होता है, और ये जो रैकेट होता है 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है। तो हमने जो है चार्जर की वायर यहाँ बैटरी के कनेक्टर्स पे लगा दी है, और अब ये पावरफुल्ली काम कर रहा है, क्योंकि इसे प्रॉपर वोल्टेज मिल रहे हैं। तो एक ये भी रीज़न है वीक होने का, कि बैटरी जो है वीक हो जाती है। तो इसमें हमने जो है एक तो इसका चेंज किया हमने ये कैपेसिटर, और बैटरी का ही रीज़न मिला हमें कि बैटरी वीक है। तो अभी इस पर भी हम काम करेंगे, देखेंगे कि ये चार्जिंग यूनिट जो है इसकी, इसको हम बेटर बना सकते हैं कि नहीं, या फिर कुछ जुगाड़ करके हम इसको चार्जर के थ्रू, जैसे आप ये देख सकते हैं इस वाले में निप्पो में, इसको जो है ये डायरेक्ट बिजली से चार्ज नहीं होता है, इसमें हमें जो मोबाइल में चार्जर यूज़ करते हैं ना, वो चार्ज लगा के चार्ज करते हैं इसको। तो कुछ इस तरह का जुगाड़ बनाकर, इन नॉर्मल जो चाइनीज़ होते हैं इनको भी ऐसा कुछ जुगाड़ करके अगर हम कर पाए, तो फिर यह समस्या का समाधान हमारा हो जाएगा। तो एक आइडिया हमने दे दिया है, और इस पर हम काम करेंगे और आपको दिखाएंगे, तो फिर हमें बार बार इन पे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जलती है पर हाँ, अब जो है पटाखा ज़बरदस्त है, तो मच्छर के लिए वापस, ये मच्छरों के लिए बन चुका है AK-47। अब एक भी मच्छर इससे बच नहीं पाएगा, जो इसके शिकंजे में आया उसका राम नाम सत्य होना तय है, इसे सही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों बैटरी या तो आप अच्छी लाएं, आपकी किस्मत होगी तो आपको अच्छी बैटरी मिल गई तो फिर से वो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़
इस तरह की बैटरी से ही जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, वरना हम बताएंगे आपको कि कैसे BMS लगाकर आप इस बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप में से निकलती है, लैपटॉप की पुरानी बैटरी आपको 40-50 रुपये में कहीं से भी मिल जाएगी, कंप्यूटर की दुकान से। BMS आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अमेजन पर से, बैटरी चार्जिंग सिस्टम ऐसे करके भी आप सर्किट ऐसे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो सिंगल बैटरी का आप ले सकते हैं। बाकी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। अभी जो हमने रिपेयर करे हैं उनमें एक तो यही ख़राब था, तो उसका हमने नया चेंज कर लिया है। ये भी मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे, तो आपको दिखा इस वाले में हमने जो है चेंज किया ये, और ये ठीक हो गया है। तू दिखा सकता है? वैसे ये शायद दिखा चुका है, नहीं हो पेज का। ये टेस्टर ले ले, करंट नहीं लग रहा। तो ये देखिए, इसको हम चेक कराते हैं। देखिए तो ये जो है अभी बैटरी वीक है, और मैंने जैसे कि बताया इनमें बैटरियां ख़राब होती हैं तो अच्छे से चार्ज नहीं होती हैं, कितना भी चार्ज करिए वो चार्ज नहीं होगी। तो इसमें भी हमें कोई बैटरी का जुगाड़ करना है, नई बैटरी लगानी है, तब ये अच्छे से पटाखा बोलेगा। जैसा मैंने बताया आपको कि वो चार्जर लगाकर हमने चेक किया तो बहुत तेज़ बोझा था, तो हमने इसमें से ये नया लगाया और ये ठीक हो गया, बिल्कुल डेड था। अभी मैं जो दूसरा दिखाता हूँ, इस ये निप्पो का था, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज थी, वो हमने चेंज करी तो ठीक हो गया। अब ये इसमें भी बैटरी की ही दिक्कत है, सब कुछ ठीक है, ये पटाखे तेज़ नहीं बोल रहे हैं इसमें, तो इसमें भी बैटरी चेंज होगी। तो लगभग लगभग सब में बैटरी ही की दिक्कत होती है, तो आप बैटरी चेंज करिए। इस तरह की आप लैपटॉप से बैटरी निकाल सकते हैं, 6 बैटरियाँ इस तरह के लिए एक लैपटॉप की बैटरी से निकलेंगी, और आप उसको इस्तेमाल करके बैटरी ठीक कर इसमें इसको ठीक कर सकते हैं। तो जब भी हमें आगे टाइम मिलेगा तो हम इस बैटरी को भी लगाना दिखाएंगे आपको, सेफली किस तरह से लगाएं। इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसके साथ एक सर्किट लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में भी आपको दिखाएं कि ये बैटरी किस तरह से इसमें लगेगी और परमानेंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को करना होगा प्रेस और वीडियो करना होगा लाइक, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।